सो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख वंश और वंश के संस्थापक और उस वंश की राजधानी। तो कई बार परीक्षाओं में इनमें से वंश की राजधानी या वंश का संस्थापक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसी के चलते ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए खासकर तैयार किया है। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसके साथ ही चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इधर हमने कुछ वंश लिख रखे हैं, ठीक है, और इधर संस्थापक और इधर राजधानी, ठीक है। तो हमारा जो पहला वंश है पल्लव वंश, ठीक है। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो पल्लव वंश का जी जो संस्थापक थे, मतलब जिसने स्थापना की थी, वो था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु, ठीक है। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी और राजधानी इसकी क्या थी? कांची। इसकी राजधानी क्या थी? कांची, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। अगला जो है चालुक्य वंश, कल्याणी, ठीक है। चालुक्य वंश, हम तीन चालुक्य वंश देखते हैं, इनकी राजधानी अलग अलग थी जिसके हिसाब से इनको हमने अलग अलग लिख रखा है, ठीक है। तो चालुक्य वंश कल्याणी, ठीक है, इनकी राजधानी का नाम ही कल्याणी था, इसीलिए चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य ऐसे इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो चालुक्य वंश जिसकी राजधानी कल्याणी थी, इसका जो संस्थापक था वो था तैलप या तैयप बोलते हैं, ठीक है, थर्ड तृतीय। और इसकी राजधानी तो मैंने पहले ही बता दिया, इसकी राजधानी क्या थी? कल्याणी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वंश है वो है चालुक्य वंश वातापी, या इन्हें बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। तो इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो वातापी थी। क्या थी? वातापी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह थे, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जय सिंह थे। अगला जो है हमारा चालुक्य वंश वेंगी, इनकी जो राजधानी थी वेंगी थी। कहाँ थी? वेंगी, इसलिए इन्हें वेंगी के चालुक्य भी कहा जाता है। तो इनके जो संस्थापक थे फ्रेंड्स वो थे विष्णुवर्धन। इनके जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन, ओके। इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? विष्णुवर्धन। और इनकी राजधानी क्या थी? वेंगी थी, ठीक है। और चालुक्य वंश वातापी, या इन्हें बादामी के चालुक्य भी कहा जाता था, जिसके संस्थापक जयसिंह थे, इनकी वातापी थी। और चालुक्य वंश कल्याणी, या कल्याणी के चालुक्य जिन्हें कहा जाता है तैलप तृतीय, ठीक है, इसने इसकी स्थापना की थी और इनकी जो कैपिटल थी वो कल्याणी थी। नेक्स्ट जो है होयसल वंश, ठीक है। होयसल वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। कौन था? ये विष्णुवर्धन और ये विष्णुवर्धन दोनों अलग अलग है। विष्णुवर्धन था, या इसको विट्टिग, इसका मूल नाम जो था विट्टिग था, या विट्टिथ ऐसे इसको बोला जाता था। बाद में इसने अपना नाम विष्णुवर्धन कर लिया था। तो ये दोनों अलग अलग विष्णुवर्धन है। तो होयसल वंश की जो कैपिटल थी फ्रेंड्स वो क्या थी? होयसल वंश की जो कैपिटल थी वो द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र, ठीक है। तो होयसल वंश की स्थापना किसने की? विट्टिग, इसका पुराना नाम था पहले का, शुरुआत का। बाद को इसने अपना नाम विष्णुवर्धन कर लिया, इसलिए हम इसको विष्णुवर्धन के नाम से जानते हैं। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? द्वार समुद्र थी। अगला जो है गंग वंश। तो गंग वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दिदिग ने की थी। किसने की थी? दिदिग ने की थी। दिदिग ने की थी, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं, माधव प्रथम। माधव
प्रथम इनकी जो कैपिटल थी वो थी कुलबल, क्या थी कुलबल। ओके, तो गंग वंश की स्थापना दिदिक ने की थी या माधव प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो राजधानी थी वो थी कुलबल। अगला जो है राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी, दंती दुर्ग ने की थी। और इनकी जो भैया कैपिटल थी वो क्या थी, म्यानखेड़ थी, म्यानखेड़ जो थी इनकी कैपिटल थी। किसकी, राष्ट्रकूट वंश की। अगली जो है यादव वंश, यादव वंश की जो स्थापना की थी, इनकी जो कैपिटल थी यादव वंश की वो देवगिरी थी, ठीक है। और यादव वंश की जो स्थापना की थी वो भिल्लव पंचम ने की थी। किसने की थी, भिल्लव पंचम ने की थी। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, देवगिरी थी, देवगिरी, ठीक है। तो यादव वंश की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी और इसकी स्थापना भिल्लव पंचम ने की थी। कदंब, कदंब की जो स्थापना की थी कदंब वंश, ठीक है, कदंब वंश की स्थापना की थी मयूर शर्मन ने, ठीक है। किसने की थी, मयूर शर्मन, मयूर शर्मन ने की थी। और देखो कदंब एक फल होता है जो कहां मिलता है, वन में मिलता है, तो मयूर शर्मन ने की थी। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी थी वो क्या थी, वनवासी थी, वनवासी। ओके, तो कदंब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की, इनकी राजधानी वनवासी थी। और अगला जो हमारा लास्ट है चोल वंश, जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। किसने की थी, विजयालय ने की थी। चोल वंश जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी, इसकी जो राजधानी थी वो तंजावुर थी, तंजावुर थी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए चोल मींस चाल, यहां पर जब किसी की चाल सही नहीं होती है उस पर हम तंज कसते हैं, ठीक है, क्या कसते हैं, तंज कसते हैं। तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की और इसकी जो राजधानी थी वो तंजावुर थी। एक बार फिर से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी और इसकी राजधानी जो थी वो कांची थी, ठीक है, कांची थी। चालुक्य वंश कल्याणी, जिनकी राजधानी थी, ठीक है, इन्हें कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं, इसकी स्थापना तैला तृतीय ने की थी और इनकी राजधानी कल्याणी ही थी। ओके, नेक्स्ट चालुक्य वंश वातापी, या इन्हें बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है, तो इनकी राजधानी थी वातापी थी और इसकी जो स्थापना की थी वो जयसिंह ने की थी। चालुक्य वंश वेंगी, इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इनकी जो कैपिटल थी वो वेंगी ही थी। होयसल वंश, इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने ही की थी लेकिन इसका प्रारंभिक नाम विट्टिग या विट्टिथ था, ठीक है, और बाद में इसने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन कर लिया था। नेक्स्ट गंग वंश की स्थापना दिदिक ने की थी या इसे माधव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो कैपिटल थी कुलवल थी। अगला जो है राष्ट्रकूट वंश, जिसकी स्थापना तंती दुर्ग ने की थी और इनकी जो राजधानी थी वो म्यानखेड़ थी, ठीक है। दुर्ग की स्थापना तलवार से करते हैं, तलवार कहाँ रहती है, म्यान में रहती है, ठीक है। यादव वंश की स्थापना भिल्लव पंचम ने की थी, ओके, और इनकी जो राजधानी थी देवगिरी थी, ठीक है, यादव दव और देव, ठीक है, यादव देवगिरी, ठीक है, यादव वंश। कदंब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदंब एक फल होता है जो कहाँ पाया जाता है, वन में पाया जाता है, वनवासी इनकी राजधानी थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी और इनकी जो राजधानी थी वो तंजावुर थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।